नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे वंदे बिहार। सोशल मीडिया पर नहर बनना है या नहीं बनना है, जिसको लेकर दो धारा के लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस मुद्दे पर पिछले दिन आंदोलन भी हुआ था पटोरी में, अंबेडकर चौक से लेकर के भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के स्मारक तक यहाँ पर पैदल यात्रा की गई और यहाँ पर एक सभा को भी संबोधित किए गए थे। उसके अध्यक्षता सुधीर कुमार जी किए थे। अभी अविनाश जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अविनाश जी, दो धाराएं के लोग हैं, नहर को लेकर विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे उनको? देखिए, नहर का विरोध जो है सो नहीं हो रहा है, ऐसा फैलाया जा रहा है कि नहर का विरोध किया जा रहा है। नहर की और नहर के जो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहर पुराना चाहिए, वो क्यों पुराना चाहिए? वो जल निकासी के लिए पुराना चाहिए। लेकिन अगर नहर जल निकासी करना है तो जल निकासी के और सारे जो है सो माध्यम हैं जिस पर विचार करने के लिए वो आंदोलन था। चलिए मैं एक पॉइंट बताता हूँ। जैसा कि अविनाश जी ने कहा, नहर का कोई लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, जल निकासी नहीं हो पाता है जिसके कारण लोग विरोध कर रहे हैं। यही पहला पॉइंट था ना आपका, यानी कि इनका क्लियर है। आप समझते चलिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि नहर का विरोध हो रहा है, धमोन में सब कर रहे हैं, यानी कि विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध पानी जमावड़ा हो जाता है, इसके लिए नहर चाहते हैं वो लोग। पानी निकासी के लिए ही आंदोलन हुआ जी, और पानी निकासी के ऊपर ही हम अभी आपसे बात करेंगे। नहर के सपोर्ट में नहीं करेंगे, नहर के विरोध में नहीं करेंगे। चलिए एक बात क्लियर, अगर कहना है तो नहर का विरोध कर रहे हैं, ये बात है, सीधा सीधा समझ लीजिए। जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जब सावन भादो महीना आता है तो जल जमाव की स्थिति बनी रहती है और वो स्थिति जो है सो जनवरी तक जो है सो बना रह जाता है चौर में। उसका कारण को पहले समझिए, बारिश के कारण पानी जमा हो जाता है चौर में, और चूंकि नदी में और नहर में जो पहले से नहर है धमोन चौर में, उसमें जो गाद की जो समस्या है जिसके कारण पानी संचय सही से नहीं हो पा रहा है, तो वो पानी जो है सो ऊपर आकर के लोगों के खेत में आ जाता है, और जब खेत में आ जाता है और जो नहर की जो जिसे पानी निकलना है उसमें जो है सो व्यवसायी, मछली व्यवसायी, ठेकेदार मिल करके प्रशासन के सह पर उसमें बाड़ी लगाता है, और बाड़ी जब खुल जाए, बाड़ी अगर नहीं लगे, बाड़ी लगाता है और बाड़ी जब खुल जाएगा, बाड़ी जब नहीं लगेगी, नदी और नहर से जो है सो गाद निकल जाएगी, तो जो है सो नहर की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? चलिए दूसरा पॉइंट भी हम लोगों को बता दें दर्शक को, क्योंकि बहुत सारा जो विरोध हो रहा था कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनका नहर का विरोध नहीं है और ना ही नहर के समर्थक। इन्होंने बोला कि जो पानी जम जाता है उसे निकासी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द निकासी हो। इसका मूल समस्या यहाँ पर बनता है बाड़ी को लेकर, ये कहना है, और जो उसमें गाद भरा है नहर में उसको सफाई करने की बात करें जी। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात कि नून नदी परियोजना के तहत जो नहर खुदाई का जो कार्यक्रम था 1979 में शुरू हुआ था, जो 1 किलोमीटर दूर है आज भी गंगा से, वो मोहदी नगर में है सुल्तानपुर में, अगर उसको खोल दिया जाए, 1 किलोमीटर वहाँ पर नहर कर दिया जाए, तो और जो है सो जल्दी पानी निकल जाएगा और समय से किसानों का खेती हो पाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि तारा धमोन से लेकर के और हरपुर सैदाबाद तक नहर खोदने की बात, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि नहर खुदाई से हजारों परिवार गृह विहीन हो जाएगा, तो सरकार को हजारों परिवार को बसाने के लिए वो व्यवस्था करना पड़ेगा, और वो व्यवस्था में उतना ही खर्च हो जाएगा जितना नहर खुदाई में सरकार को खर्च करना है। हजारों परिवार को बसाइएगा तभी ना उजाड़िएगा। कहीं पर है क्या कि किसी को बिना जो है सो व्यवस्था किए हुए उजाड़ देने का जो है सो कहीं पर बात लिखा हुआ है कि संविधान में? तीसरा पॉइंट भी इन्होंने कहा कि नहर का विरोध नहीं करे, तारा धमोन से हरपुर सैदाबाद तक बन जाएगा, ठीक है बन जाए, लेकिन जो हजारों लोग घर विहीन गृह विहीन होंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, पहले उन्हें आवास मुहैया कराया जाए, ये है। दूसरी बात इन्होंने इसी में कहा कि देखिए, अगर आप नहर बनाना ही चाहते हैं तो 1 किलोमीटर सुल्तानपुर में बचा हुआ है, गंगा नदी से दूर है, अगर वह नहर बन जाता है और गाद की समस्या जो है वो खत्म हो जाती है और बाड़ी नहीं लगती है, प्रशासन ध्यान करेगा, तो ये नहर वाली जो बनने की बात वो आएगी नहीं, यही कहना है आपका ना?
हाँ तो आप बताइए कि जो अगर मान लीजिए फिर आप उनका कह रहे हैं कि तारा जो उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रहा है जो तारा धवन से हरपुर सैदाबाद में नहर बनने की, काफ़ी वीडियो मैंने ऐसे कमेंट देखे हैं कि विधायक जी ने बहुत मेहनत किया, पूर्व विधायक जी ने, और नहर की मांग को यहाँ स्वीकृत करवाया और आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत कहाँ है, प्रशासन का काम है, प्रशासन का काम है कि जो नियम है उसके तहत काम करना। तो बाड़ी जो है सो बांधने न दे, इस ये जवाबदेही किसकी है, प्रशासन की। इसको इसमें हमको मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है। गाद हटवाने की जवाबदेही किसको है, प्रशासन को है, पदाधिकारी लोग। अगर गाद नदी या नहर से एक छिटा माटी आप काट लीजिए तो अंचलाधिकारी आपके ऊपर मुकदमा कर देगी। तो हम कह रहे हैं कि उसको गाद को सफाई करवा दीजिए, सब जमीन बन गया है वहाँ पर। अब गेहूँ की खेती होता है नहर में, आप देखिएगा, उसका भी रिपोर्ट करिएगा आप, है ना। तो गाद की समस्या खत्म हो जाएगी, बाड़ी की समस्या खत्म हो जाएगी, नून नदी परियोजना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि इस नहर की आवश्यकता होगी, इस नहर की, और जिनको लगता है कि इस नहर को आवश्यकता होगी उनको पहले ये बात को समझना होगा कि हजारों एकड़ को बसाने की पहले आवश्यकता को पूरा करना होगा, तब तो जाकर के नहर को खुदवाने के ऊपर जो है सो कोई चीज़ हो सकता है। और उसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको आज भी पैसा नहीं मिला है ना, तो उनको क्या सरकार अभी के रेट से पैसा तय करेगी, अभी के रेट से पैसा देगी? उस समय जो एक्वायर किया गया था जमीन, हाँ अभी नहीं, अभी ये जी। अच्छा, ये जमीन कब एक्वायर किया गया था? 1970 में। 1970 में, चलिए ये बातें आपने कहा, हमारे दर्शकों को अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपको सम देखे इन्होंने एक और बात सुन लीजिए थोड़ा सा, कि जिन लोगों को लगता है कि नहर हो जाने से पानी निकासी हो जाएगा, तो नहर तो अभी पहले से है, तो इसमें बाड़ी बांध देता है ठेकेदार और मछली व्यवसायी, तो उसके बाद क्या लगता है कि वो जो नहर होगा तो उसमें तारा धमुन से हरपुर सैदाबाद के भी, तो क्या उसमें जो है सो फिर ठेकेदार बाड़ी नहीं बांधेगा? समस्या बनी ही रहेगी। इसलिए पहले बाड़ी खुलवाओ, और बाड़ी खुलेगी तो समस्या खत्म हो जाएगी, गाद हटेगा, समस्या खत्म हो जाएगा, नून नदी परियोजना जो है सो पूरा हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, फिर नहर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए, इनका सीधा सीधा कहना है कि देखिए, नून नदी परियोजना 1979 में जो बनी थी सुल्तानपुर के लिए, अगर वो 1 किलोमीटर दूर है वो क्लियर हो जाए, और तब तो धमोन में जो तारा धमोन से लेकर हरपुर सैदाबाद तक नहर बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने कहा, मान लीजिए अगर ज़रूरत है भी तो जो हजारों वहाँ घर हैं जो गृहविहीन होंगे लोग, उनका कहीं ना कहीं पुनर्वास पहले कराया जाए। तो इनका सवाल तो पक्का है, एकदम जायज है कि पहले आप गृहविहीन जो भूमिविहीन हो रहे हैं या गृहविहीन हो रहे हैं उनको पुनर्वास पहले कराया जाए, उसके बाद ही नहर का निर्माण कराए। इनका एकदम सही बात था। उन्होंने दूसरा अगला बात भी ये कहा कि देखिए, जो बाड़ी बनते हैं ना, बाड़ी के कारण जल की समस्या बन जाती है और जल का निकासी नहीं हो पाता। तीसरा अगला बात इन्होंने ये कहा कि जो गाद पहले से है, चूँकि गाद भर जाने से जो नहर है वह समतलीकरण में बदल गया है, और समतलीकरण हो जाने से वहाँ पर जो पूर्व में किसान थे उस पर अभी खेती कर रहे हैं। और एक और बात इन्होंने कहा, 1970 में जो जमीन एक्वायर किया गया था तकरीबन 103 एकड़, उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ये सारी बात कहें, और फिर से हजारों एकड़ जमीन एक्वायर करने की बात की जा रही है। तो इन्होंने बोला, आप लोग सारा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले 103 एकड़ जो मुआवजा उस समय एक्वायर किया गया था, अभी के हिसाब से मुआवजा मिले, और जो भूमिहीन होंगे या गृहविहीन होंगे उनका पहले पुनर्वास कराया जाए, उसके बाद नहर बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने एक और सवाल खड़ा करके छोड़ दिया है, वह सवाल है कि नहर बन जाने के बावजूद भी जब बारी पर प्रशासन ध्यान नहीं देंगे, वैसा ही नहर बनता रह जाएगा, पानी जमेगा और यह समस्या आगे भी उत्पन्न होती रहेगी। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। यह पोस्ट आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से सुझाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।